ये है Geekcases का BT515 ब्लूटूथ वायरलेस स्पोर्ट्स ईयरफोन। ये CSR चिप के साथ आता है और Qualcomm aptX वायरलेस ऑडियो को सपोर्ट करता है। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं इस वायरलेस ईयरफोन की अनबॉक्सिंग और देखेंगे कुछ इसके फीचर्स को। अगर आपने अभी तक BCD Tech को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने YouTube ऐप पर सर्च करें BCD Tech और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही में अगर आप इस घंटे को बजाओगे तो हमारी वीडियो अपलोड होती सबसे पहले देख पाओगे। इस हेडफोन की क्या खास बात है जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, ये है Geekcases का BT515 वायरलेस ईयरफोन का डिब्बा। इसकी प्राइस है अमेजन पर 1999 रुपीज़। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कुछ इस टाइप का इसका डिब्बा है। बॉक्स के ऊपर आपको इस ईयरफोन की लेआउट मिल जाएगी। Geekcases का ये प्रोडक्ट है। Qualcomm aptX ऑडियो को सपोर्ट करता है। CSR की ऑडियो चिप है। मॉडल है BT515 एग्जैक्टली। दोस्तों, यहाँ पर 515 लिखा हुआ है। ये वायरलेस स्पोर्ट्स ईयरफोन है। इसमें आपको 6 घंटे तक का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। 2 घंटे में इसकी बैटरी चार्ज होती है। बिल्ड इन माइक्रोफोन भी है। मैग्नेटिक ईयर प्लग है। वाटर रेजिस्टेंस है। पैकेज में क्या क्या मिल रहा है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फीचर्स में इन्हांस ACC और aptX कोडेक्स मिल जाएंगे। अल्ट्रा लाइट वेट है और कुछ फीचर्स इस स्टिकर के नीचे दबे हुए हैं जो मैं नहीं जानता हूँ। और यहाँ पर बॉक्स में MRP है 3999 रुपीज़, बट अमेजन पर ये करंटली 1999 रुपीज़ का मिल रहा है। तो ये है इस ईयरफोन का डिब्बा। आइए करते हैं इसको अनबॉक्स। डिब्बे में और कुछ नहीं है। बॉक्स में मिलता है सबसे पहले आपको एक सॉफ्ट कैरिंग केस। बहुत बढ़िया और सॉफ्ट केस है। इसके अंदर आप ईयरफोन को कहीं पर भी ले जा सकते हो, स्टोर कर सकते हो। इस केस के अंदर आपको मिल रहा है एक USB केबल इस ईयरफोन को चार्ज करने के लिए और कुछ एक्स्ट्रा ईयरबड्स, और साथ में एक यूज़र मैनुअल है जिसमें इस ईयरफोन को कैसे यूज़ करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, क्या इसकी लेआउट है, सब कुछ आपको मिल जाएगी। और लास्ट में इस बॉक्स में है ईयरफोन। काफ़ी अच्छे से इसको पैक किया गया है। बस ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इस ईयरफोन के बॉक्स में मिलती हैं। ये है Geekcases का BT515। एयर प्लग काफ़ी बड़ा है, मेटल का बना हुआ है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग है और दिखने में भी काफ़ी बढ़िया है। इसके साथ आती है एक ईयर सपोर्ट मैकेनिज्म, मतलब कि इसके थ्रू आप इस ईयर प्लग को अपने कान में काफ़ी कंफर्टेबली लगा सकते हो। और यहाँ पर आपको मिलता है एक एंगल 45 डिग्री के अलोंग ये जा रहा है, जिसके जरिए आप इसको काफ़ी आराम से अपने कानों में पहन सकते हो। इसमें दोस्तों दो मैकेनिज्म है। एक तो हो गया नॉइज़ कैंसिलेशन वाला ये प्लग, और दूसरा हो गया ईयर में होल्ड करने के लिए ये वाला प्लग। तो इसके थ्रू आप इसको कंफर्टेबली पहन सकते हो और साथ में सराउंडिंग नॉइज़ को भी कैंसिल आउट कर सकते हो। और स्पीकर देख लीजिए, डायफ्राम कुछ इतना बड़ा है, और यहाँ पर आपको एक छोटा सा होल मिल जाएगा ताकि वैक्यूम या सक्शन ना बने आपके कानों पर। और इस ईयर प्लग पर लेफ्ट और राइट की मार्किंग है जिसके जरिए आप स्टीरियो साउंड का एक्सपीरियंस ले सकते हो। और ये जो ईयर प्लग हैं ये मैग्नेटिक हैं, मतलब कि इसको आप अपने नेक के अराउंड कैरी कर सकते हो। इस टाइप से इसको आप अपने नेक के अलोंग पहन सकते हो, और ये जो मैग्नेटिक प्लग है ये इसको लॉक कर देंगे। तो फिलहाल कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आपको वायर्स मिल जाएंगी और एक कंट्रोलर भी है जिसके ऊपर आपको 3 फिजिकल बटन, एक LED नोटिफिकेशन लाइट, माइक्रोफोन और माइक्रो USB पोर्ट मिल जाएगा। इस पोर्ट के थ्रू आप इसकी इनबिल्ट बैटरी को चार्ज कर सकते हो, और फुल चार्ज में ये आपको 6 घंटे तक का प्लेबैक टाइम देगा। ईयरफोन की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर मिलती है CSR8645 चिपसेट। ब्लूटूथ वर्जन है 4.1, जो कि A2DP, AVRCP, SSP, HSP, HFP को सपोर्ट करता है। बैटरी इसके अंदर है 55 mAh की। 2 लिथियम पॉलीमर बैटरीज हैं जिसको आप 2 घंटे में चार्ज कर सकते हो, और एक बार ये फुली चार्ज हो जाए तो 6 घंटे का आपको प्लेबैक टाइम मिलेगा। स्पीकर्स का डायमीटर है 6 mm, इम्पीडेंस है 16 ohms, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है 20 Hz से लेकर 20 kHz, सेंसिटिविटी 96 dB है 1 kHz पर, मतलब कि ये ईयरफोन बैलेंस है लो, मिड और हायर टोन्स के लिए।
तो ये है कुछ इस ईयरफोन की स्पेसिफिकेशन, और देखा जाए लुक में डिज़ाइन में काफ़ी बढ़िया है। आइए अब इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे इस ईयरफोन को डालना होगा पेयरिंग मोड पर, और पेयरिंग मोड पर डालने के लिए मुझे पावर बटन को प्रेस करना होगा। ये है इसका पावर बटन, इसको प्रेस और होल्ड कर लीजिए अनटिल अनलेस जो लाइट है वो आपकी ब्लू और रेड कलर में अल्टरनेटली जलने लग जाए। तो अब ये पेयरिंग मोड में चला गया है। इस ईयरफोन को आप अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप, प्लेस्टेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। Geekcases 515 को आपको टैप करना होगा, और टैप करते ही ये पेयर हो जाएगा। तो एक बार ये पेयर हो जाए तो अब आप इस ईयरफोन को यूज़ कर सकते हो कॉल को आंसर करने के लिए, कॉल को सुनने के लिए, म्यूज़िक सुनने के लिए, और इवन ना जाने किन किन पर्पज़ के लिए। और आप इस ईयरफोन को अपने नेक के अराउंड पहन के जॉगिंग कर सकते हो, जिम कर सकते हो, और ना जाने क्या क्या कर सकते हो। दोस्तों इस ईयरफोन को आप कुछ इस टाइप से पहन सकते हो। उसके बाद ईयर प्लस को अपने कान में डाल लीजिए। देख सकते हो कि इसकी जो ईयर सपोर्ट है ये इसको काफ़ी कंफर्टेबल बना रही है कान में, और जो इसकी नॉइस कैंसिलेशन वाली ये जो बर्ड्स हैं ये सराउंडिंग की जो साउंड है उसको ब्लॉक कर रही है। तो काफ़ी कंफर्टेबली ये कान में फिट हो जाता है, और इसके जरिए आप गाने एंजॉय कर सकते हो, कॉल का आंसर कर सकते हो, माइक्रोफोन भी आपके जस्ट गर्दन के पास में है। तो काफ़ी बढ़िया ये ईयरफोन है। अगर आप इसको नहीं यूज़ कर रहे हो तो इसको आप ऐसे स्टोर भी कर सकते हो। तो ये अब आपकी माला बन गई है। ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, वेल बायस है, लो मिड हाई टोन सबके लिए इसको बैलेंस किया गया है। काफ़ी अच्छी बास है, काफ़ी अच्छा बैलेंस ये ईयरफोन है, और मैं इसको रेकमेंड करूँगा। तो ये है Geekcases का BT515 वायरलेस स्पोर्ट्स ईयरफोन, जिसको आप कहीं पर भी किसी भी जगह पर यूज़ कर सकते हो। काफ़ी कंफर्टेबल है, लुक भी बढ़िया है। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हो तो इसका जो परचेजिंग लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आप बताइए कि आपको ये ईयरफोन कैसे लगे। अपना जो भी ओपिनियन है, अपना जो भी व्यूज़ हैं इस ईयरफोन को लेके मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करूँगा कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पर बना रखी हैं और आगे भी आती रहेंगी। अगर आप उन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।